हाँ, जब पानी पिला करके होश में लाए, मैं अपना महल आने लगा। अच्छा, उस लड़की ने क्या कहा? क्या कही? उस लड़की का नाम बंदारन है। और उस बंदारन ने क्या कहा? क्या हुआ? उस बंदारन का कहना हुआ कि मैंने आपको एक लोटा जल पिलाया हो, आपके प्यास बुझाया हो, मेरे प्यास को कौन बुझाएगा? मैंने कहा देखो बंदारन, तुमने मुझे एक लोटा पानी पिलाए है, मैं तुम्हें दो लोटा पानी लेकर के पिला देता हूँ। जी महाराज, क्यों? लेकिन पचकोड़िया, उसने पानी का बात नहीं कर रहा। जी आगे क्या हुआ? उसने प्रेम का बात कर रहा था, उसने शादी की बात कर रहे थे। उस समय उस घनघोर जंगल में उतना मुसीबत में मैं फंस गया, उतना मुसीबत में फंस गया, अगर मैं उनसे शादी नहीं करता तो मेरे शरीर से प्राण निकल गया होता। आप उनसे शादी किए? हाँ, शादी करके इस महल तक लाया हूँ। हाँ, तो इस समय वो महारानी जी है। हाँ, महारानी जी कितने किधर है? अरे तुम दोनों महारानी से मिलने के लिए चाहते हैं? जी, चलो साइड में खड़े हो जाओ, जल्दी बुलाइए। अभी महारानी को बुला रहा हूँ। पहले देखो। हाय यदुदीना, अकेली इंद्रानी स्वामी जी। ये अपना सिंह दरबार है और अपने दरबार का जो सेनापति पचकोड़िया है वो दोनों तुमसे मिलने के लिए चाहते हैं। ठीक है, चलो तुम साइड में खड़े हो जाओ। अरे पचकोड़िया सेनापति। जी जी महाराज। महारानी दरबार में आ चुकी है, जाओ प्रणाम करो और महारानी से कुछ बातें करो। जी जी सेनापति जी, प्रणाम करने से पहले हम महारानी जी को पहले देखेंगे। हाँ देखो, देखने दीजिए, जल्दी देखो, मन भर देखो। पचकोड़िया तुम दोनों महारानी से मिल चुके हो। जी महाराज। हम तुम दोनों जाओ महल और मेरे दोनों बच्चे शंकर और सुशीला को बुला करके। जी महाराज। छत्तीस मंडल का बेटा अभिषेक कुमार जी, उनके तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार है महारानी जी के मुंह दिखाई के लिए।
आइए हमारी कंपनी हार्दिक स्वागत वंदन करती है। महाराज अभी अभी इस समय आप इंतजार कीजिए, हम और सेनापति जा रहे शंकर सुशील के। जाओ उन दोनों बच्चे को बुला करके लाओ, अरे उन दोनों बच्चे को माँ से मिलाएंगे। महाराणी हाँ स्वामी जी, सेनापति भचकोड़िया गए दोनों बच्चे को बुलाने के लिए, तब तक चलो महल में आराम करते हैं। ठीक है चलो। प्यारे हमारा हमारे Go, 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 go.